हेलो फ्रेंड, द गल्फ टेक्निकल में आपका स्वागत है और हमेशा की तरह एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत कर। मुझे लगता है कि हमें और कुछ माइंड की ज़रूरत है, शायद मुझे काफ़ी माइंड की ज़रूरत है क्योंकि और मुझे एक मेहनत करने की भी ज़रूरत है क्योंकि काफ़ी लोग एक जुगाड़ का इस्तेमाल करते हैं या शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं कोई भी काम में। मेरा कभी भी एक ट्रेनिंग रहा और इस YouTube के माध्यम से मैंने लोगों तक यही पहुंचाया कि आप कभी भी शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं करेंगे, जल्दबाजी कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा हो गया जुगाड़, हम अपना देसी जुगाड़ कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, वो कभी भी आपको सफलता नहीं दे सकता है। जैसा आप इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं, आप समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पर बात कर रहा हूं, क्योंकि इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक ज़रूर देखेंगे क्योंकि इस वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको छोटे छोटे एक नॉलेज मिल सकता है या आपको एक छोटा जैसा खुशी भी मिल सकता है या खुश आपको एक छोटा जैसा कुछ भी मिल सकता है। तो इस वीडियो में बने रहे क्योंकि मैं इस वीडियो का जो टॉपिक है वो आपको अभी तक नहीं बोला हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो का जो टॉपिक है, मैंने काफ़ी बार सोचा कि इस वीडियो का टॉपिक क्या रखूँ, बेवकूफ़ रखूँ या जुगाड़ या कोई होशियार रखूँ। मुझे नहीं लगता है कि मैं इस वीडियो का टॉपिक क्या रखूँ, जो भी हो, लेकिन मैं आपको क्लियर बोलता हूँ कि ये हाइड्रा है। जैसा आप इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं, ये हाइड्रा है। हाइड्रा को एक जो हम पाइप बोलते हैं, सीमेंट का जो रोल है, वो किस तरीके से एक नदी में डाला जा रहा है, उसका दबाव कितना है, उसका प्रेशर, जो पानी का जो प्रेशर है वो कितना, काफ़ी ज़्यादा है। और इस तरीके का हाइड्रा काफ़ी टाइम बंद हो चुका है। इंडिया के अंदर भी ये हाइड्रा को काफ़ी ज़्यादा बैंड कर दिया गया है क्योंकि ये बिल्कुल भी सक्सेस नहीं रहा। वो ये हाइड्रा का आप हमेशा वीडियो देखेंगे, कितना बूम क्रैक हुआ, कितना वो टूट गया, कितना वो पलटी हुआ ओवरलोड के लिए। लेकिन ये कहीं ना कहीं कुछ हमारी गलती है, जो ऑपरेटर की गलती है। कभी भी यहाँ पर देखा गया है, इंडिया के अंदर काफ़ी लोग अच्छे लोग भी है, महान लोग भी है और काफ़ी रिस्पेक्ट लोग भी है, लेकिन कुछ कुछ जो ऑपरेटर है वो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते क्योंकि हमने जो गाड़ी लिया, हमने जो हाइड्रा लिया उसको उठाने के लिए लिया, हमारा माइंड सेट क्या होता है, इतना भारी हाइड्रा इतना छोटा जैसा चीज़ नहीं उठा सकता है, वो हमारा एक माइंड सेट होता है। तो हमने क्या किया, वो उसके अंदर सिलाई जो होता है उसको हम लगाते नहीं हैं या हम लगाए हुए हैं तो उसको बाईपास कर देते हैं, तो कुछ इस तरीके से। और उसके बाद हमको सबसे जो ज़्यादा जो गलती इस वीडियो के अंदर देखा जा रहा है वो माइंड का इस्तेमाल नहीं किया गया है उसके अंदर। वो सोचा कि हाइड्रा इतना भारी होता है, पानी का प्रेशर क्या होता है। बोलते हैं आग और पानी से इंसान को कभी भी डर के रहना चाहिए, उससे बच के रहना चाहिए क्योंकि एक छोटा जैसा मामूली सा चीज़ है लेकिन काफ़ी बड़ा हादसे का शिकार हो सकता है। जैसे पानी बोलते हैं बहुत ताकतवर है, हवा, पानी, आग, इन सब चीज़ों को हम एक लाइट जैसा समझते हैं, लेकिन वही चीज़ आप इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं कि किस तरीके से वो हाइड्रा इंसिडेंट हो गया, किस तरीके से इंसिडेंट हुआ इस हाइड्रा के अंदर, क्या गलती की वजह से हुआ। इस तरीके से हमें गलती नहीं करना चाहिए, कभी भी हमको बाईपास नहीं करना चाहिए लोड को, कभी भी हम जुगाड़ नहीं करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पे हमको ज़रूर फोकस करना चाहिए। तो ये वीडियो बनाने का यही मकसद है, एक छोटा जैसा पैगाम आप लोगों के लिए कि ये हाइड्रा कभी भी आप यूज़ कर रहे हैं, कभी भी सिलाई को बाईपास ना करें। और ये ऑपरेटर से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, आप कुछ भी समझे, एक रिक्वेस्ट समझे, कभी भी आप ऑपरेटिंग करते हैं कोई भी सिस्टम में इफ़ेक्ट होता है आप उसको रिपोर्ट ज़रूर करें। और जुगाड़ का काम बिल्कुल भी ना करें, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, शॉर्टकट का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें और कोई भी सिस्टम को बाईपास हम कभी भी नहीं करें।
तो इन सब चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान दें और कभी भी सिस्टमेटिक से आप काम करने की कोशिश करें, पेपर वर्क से आप कभी भी काम करने की कोशिश करें, कभी भी पेपर लेस को मत करें, कभी भी जो रूल्स है और कानून है उसको क्रैक नहीं करें, कभी भी जो कंपनी का जो रूल्स और रेगुलेशंस होता है हम उसके बाईपास में चले जाते हैं, तो हमको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए ताकि हम जो डॉक्यूमेंट्स फिल करेंगे तो हम उससे इंश्योर हो सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं कि हमें क्या काम करना है, हमें कैसे काम करना है। तो ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप कुछ ना कुछ इस वीडियो के अंदर सीख के जाए और एक फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक पर।